एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बोर्ड्स और अथॉरिटी की एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो कहाँ पे हैं, उनका वर्तमान में चेयरमैन कौन है और किस ईयर में उनको स्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी बोर्ड। टी बोर्ड कोलकाता में है और वासुदेव बनर्जी इसके चेयरमैन है। 1953 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। कॉफ़ी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है और इसके जो चेयरमैन हैं जी वी कृष्णा राव, ये 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये चेन्नई में है और इसके चेयरमैन श्री एम एफ फारूकी हैं, ये 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। रबर बोर्ड ये हमारा कोट्टायम केरला में है और 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्पाइसेस बोर्ड कोची में है, 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिश एंड फिश प्रोडक्ट बोर्ड ये हैदराबाद में है, 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था। टोबैको बोर्ड ये गंटूर में है अरुणाचल प्रदेश में और इसके चेयरमैन जे सुरेश बाबू हैं और ये 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये बेंगलुरु में है और इसके चेयरमैन एच हनुमान थापा हैं और ये 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। कोकोनट डेवलपमेंट ये कोची में है और माइनिन मैथ्यू इनके चेयरमैन हैं। 12 जनवरी 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ये न्यू दिल्ली में है, गुरु बच्चन सिंह इसके चेयरमैन हैं और 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। सेंट्रल वुड डेवलपमेंट बोर्ड ये जोधपुर में है और जे एस बिश्नोई इसके चेयरमैन हैं। जुलाई 1987 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल बी बोर्ड ये न्यू दिल्ली में है और 19 जुलाई 2000 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। थैंक यू।